वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, इकोनॉमी पूरी तरह डावाडोल है। ऐसे में सरकार ज्यादा टैक्स लेने का प्लान बना रही है। ये प्लान अमेरिका के रिच टैक्स जैसा बताया जा रहा है, जिसमें कमाई के हिसाब से टैक्स तय किए जाने की बात है। लेकिन अब सरकार ने टैक्स बढ़ाए जाने की खबरों को पूरी तरह नकार दिया है। साथ ही उन अफसरों के खिलाफ जांच बैठाने की बात कही है जिन्होंने बिना इजाजत ये रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। हम जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, क्या सरकार वाकई टैक्स बढ़ाने के मूड में है और कितना, या ये बातें सिर्फ अफवाह हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टैक्स बढ़ाने का ये प्लान आखिर क्या है। जानकारी के मुताबिक इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी IRS के अधिकारियों ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसके तहत कहा गया था कि कोरोना संकट से निपटने को फंड जुटाने के लिए 1 करोड़ रुपए सालाना से अधिक कमाई वाले लोगों पर 40% तक टैक्स लगना चाहिए। 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा कमाने वालों पर 4% का कोरोना सेस लगना चाहिए। वहीं 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई वालों पर बढ़े हुए वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव आना चाहिए। हालांकि सरकार ने इन सुझावों को गैर जिम्मेदार करार देते हुए खारिज कर दिया। ये रिपोर्ट वित्तीय विकल्प और कोरोना महामारी से निपटने की रणनीति नाम से तैयार की गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि टैक्स इजाफे का यह प्लान कुछ समय के लिए ही लागू किया जाएगा। बता दें कि यह रिपोर्ट 50 युवा IRS अफसरों ने तैयार की थी। इस ग्रुप में सबसे सीनियर अधिकारी 2014 बैच के हैं। रिपोर्ट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वालों पर सीमित समय के लिए 40% टैक्स का सुझाव दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि मोटी कमाई करने वाले ज्यादातर लोग अब भी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा में काम कर रहे हैं। ऐसे में उनसे इस संकट में टैक्स के तौर पर वसूली की जा सकती है। रिपोर्ट में यूरोपीय अर्थशास्त्रियों का हवाला दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि अमीरों पर टैक्स लगाना सबसे प्रगतिशील राजकोषीय व्यवस्था है। रिपोर्ट में ऐसे लोगों को टैक्स से छूट का भी प्रस्ताव रखा गया था जिनकी नौकरी चली गई हो। रिपोर्ट में कहा गया था कि सेक्शन 80C के तहत छूट को बढ़ा देना चाहिए ताकि उपभोग को बढ़ावा मिल सके। खास तौर पर होम लोन पर ब्याज और ऑटोमोबाइल की खरीद पर टैक्स में कमी की जानी चाहिए ताकि उपभोग में इजाफा हो सके। हालांकि रिपोर्ट सामने आने के एक दिन बाद ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसे कुछ IRS अफसरों की कोरी कल्पना बताया। IRS एसोसिएशन ने अपने ट्विटर हैंडल और वेबसाइट पर कहा कि इस रिपोर्ट के लिए कुछ गैर जिम्मेदार IRS अफसरों से जवाब मांगा जाएगा। इसके बाद CBDT ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि एसोसिएशन से इस तरह की रिपोर्ट बनाने के लिए कभी नहीं कहा गया, साथ ही इस मामले की जरूरी जांच भी की जाएगी। कोरोना संकट से निपटने के लिए अमीरों पर टैक्स लगाने का प्लान कितना सही था, क्या इसे खारिज करना सरकार की गलती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।